नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर्यन विश्वकर्मा और आज के सेशन में हम जानेंगे डीमैक के बारे में। डीमैक एक काफी फेमस अप्रोच है जिसे कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेशन शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और कलीग्स को भी हमारे इस क्वालिटी और एक्सीलेंस की जर्नी में शामिल कीजिए। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं डीमैक के बारे में। तो डीमैक का जो फुल फॉर्म है वो है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। तो ये इसके पांच फेजेस होते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहे हैं, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसे बेसिकली सिक्स सिग्मा का डीमैक अप्रोच का क्रक्स कहा जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप किसी भी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको वाई यानी कि आउटपुट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसे सिक्स सिग्मा की भाषा में केपीओवी भी कहते हैं, यानी कि की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल या सिंपली आउटपुट वेरिएबल भी कहते हैं। और एक्स या एक्सेस ये इनपुट वेरिएबल है जिसे कि केपीआईवी यानी की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रोजेक्ट में हमें जिस एरिया में इंप्रूवमेंट करना है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पहले हम वाई को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमने देखा यहाँ पर मेजर फेज में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई की वाइज। तो उन आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करना है जिस पर हम इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम एनालिसिस करके एक्सेस को ढूंढते हैं कि कौन कौन से इनपुट वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको हम एक्शन लेके इंप्रूव करके सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। आइए अब जरा इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं डीमैक। तो आइए दोस्तों, इस लीन सिक्स सिग्मा के डीमैक मेथोडोलॉजी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि डीमैक होता क्या है। तो जैसा कि हमने समझा था कि डीमैक के पांच फेजेस होते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज और उसके बाद में फिर इम्प्रूव और कंट्रोल। इसको हम डीमैक को एक सिंपल से समरी शीट से हम समझते हैं जो कि एक्सेल में बनाया गया है। तो जो डिफाइन फेज होता है, पहले इसको जरा समझ लेते हैं। तो डिफाइन फेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा डिफाइन फेज का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को, डेवलप द बिजनेस प्रोसेसेस, हम प्रोसेस मैपिंग वगैरह करते हैं एंड डिफाइन क्रिटिकल कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेन एक्टिविटीज क्या होती है हमारे डिफाइन फेज की, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट, डेवलप टीम चार्टर, ट्रांसलेट वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू सीटीक्यूज, यानी कि वॉइस ऑफ कस्टमर को हम क्रिटिकल टू क्वालिटीज वाइज में कन्वर्ट करते हैं, आइडेंटिफाई एंड मैप प्रोसेसेस, इसके लिए हम सीपॉक डायग्राम या प्रोसेस फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं एंड प्रिपेयर वीएसएम, ये केस टू केस डिफर करता है, वीएसएम यानी कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। तो दोस्तों, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी टू पार्ट में बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो पोटेंशियल टूल्स एंड टेक्निक क्या इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, हम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव और टीम फॉर्मेशन। तो इसके की डिलीवरेबल्स क्या हो जाएंगे डिफाइन फेज के, टीम चार्टर। तो चार्टर जो होता है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में टिपिकली एक चार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कुछ दिनों में आपके लिए जो सिक्स सिग्मा का चार्टर होता है उसका लिए एक सेशन बना दूंगा कि चार्टर को कैसे फिलअप करते हैं। तो टीम चार्टर, प्रोसेस मैपिंग, सीपॉक, पीएफडी या वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, सीटीक्यू पैरामीटर, प्रिपेयर्ड टीम, गोल एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये हमारे डिलीवरेबल्स हो जाएंगे डिफाइन फेज। सेकंड फेज मेजर फेज है। मेजर फेज का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू एस्टैब्लिश बेसलाइन, हम बेसलाइन एस्टैब्लिश करेंगे सिक्स सिग्मा परफॉर्मेंस लेवल का। मेन एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाई इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इंडिकेटर्स, डेवलप ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड मेजरमेंट प्लान, प्लॉट एंड एनालाइज डेटा, इवैल्यूएट मेजरमेंट सिस्टम, अगर जरूरत पड़ती है एमएसए करने की तो आप एमएसए कीजिए। दोस्तों, एमएसए के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है दो पार्ट में, आप उसे चेक कर सकते हैं एमएसए को डिटेल में समझने के लिए। आइडेंटिफाई क्विक विन अपॉर्चुनिटीज, होता क्या है सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट में आप जब तक एनालिसिस करते नहीं है तो आपको रूट कॉजेस या इंप्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटीज पता नहीं चलती है एक्सेस। तब तक हम क्या करते हैं, हम मेन कॉजेस पर एक्शन लेने से पहले कुछ क्विक विन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं मेजर फेज में और उस पर एक्शन लेते हैं। तो पोटेंशियल टूल और टेक्निक क्या हो जाएंगे, डिफाइन मेजर्स वाइज, चेक डेटा इंटीग्रिटी, डिटरमाइन प्रोसेस स्टेबिलिटी, हम प्रोसेस स्टेबिलिटी अगर जरूरत पड़ती है यानी कि एसपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड डिटरमाइन प्रोसेस कैपेबिलिटी यानी कि प्रोसेस की कैपेबिलिटी, अगर सीपीसीपी की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर जितने भी चीजें एक्सप्लेन किया गया है ये बहुत ही ब्रॉड लेवल में एक्सप्लेन किया गया है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट आप किस कैटेगरी के ले रहे हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है,
क्या वाइज एंड क्या एक्सेस। तो मेजर फेज के आपके की डिलीवरेबल्स क्या हो जाएंगे, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इंडिकेटर्स, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट्स एंड प्लान्स, क्विक विन अपॉर्चुनिटीज, और अगर आपने एमएससी किया है, सीपीसी की स्टडी किया है तो वो भी निकल के आएंगे। तो थर्ड फेज हमारा क्या है, एनालाइज फेज। एनालाइज फेज में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगी, टू आइडेंटिफाई एंड वैलिडेट द रूट कॉजेस। हम इसमें रूट कॉज का आइडेंटिफिकेशन और वैलिडेट करते हैं, दैट अश्योर्स द एलिमिनेशन ऑफ एक्चुअल रूट कॉज एंड और बॉटलनेक इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस के हमारे जो बॉटलनेक्स है या रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके हम वैलिडेट करने की कोशिश। तो मेन एक्टिविटीज मेरी क्या हो जाएगी, स्ट्रेटिफाई डेटा यानी कि डेटा का स्ट्रेटिफिकेशन, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, रीडिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर जरूरत पड़ता है रीडिफाइन करने की तो आप रीडिफाइन कर सकते हैं, वैलिडेट रूट कॉज, कंपैरेटिव मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लीन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप एनालाइज फेज में। तो दोस्तों ये जो डीमैक मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ बताया है, मैंने लीन सिक्स सिग्मा बताया है, मैंने सिर्फ सिक्स सिग्मा नहीं बताया है, आजकल काफी सारे जगहों में लीन सिक्स सिग्मा जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया था, जिसमें कि सिक्स सिग्मा टूल के अलावा यानी कि स्टैटिस्टिकल टूल के अलावा लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप लीन टूल का इस्तेमाल एनालाइज फेज में कर सकते हैं। जैसे कि अगर सेटअप रिडक्शन का आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट तो एसएमईडी एज ए टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियल टूल और टेक्निक क्या इस्तेमाल किया जाएगा एनालाइज फेज में, ब्रेनस्टॉर्म पोटेंशियल इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज, सिलेक्ट इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज, आप उसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, की डिलीवरेबल्स क्या निकल के आएगी, डेटा एनालिसिस, वैलिडेटेड रूट कॉज, सोर्स ऑफ वेरिएशन, बॉटलनेक और वेस्ट इन प्रोसेस, ये हमारी डिलीवरेबल्स निकलेगी एनालाइज फेज का। दोस्तों हमारा ये जो फोर्थ फेज इंप्रूव परफॉर्मेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इसमें हम सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। मेन एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप डीओई कर सकते हैं, लीन टूल लाइक एसएमईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ टूल्स को हम एनालाइज फेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंप्रूव फेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट कुछ टूल को हम मेजर फेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके का है। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, लीन टूल लाइक एसएमईडी, लाइन बैलेंसिंग और वर्क स्टैंडर्डाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरेट सॉल्यूशंस आइडिया बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप्स के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का सिलेक्शन करना और मैनेज चेंजेस, ये मेन एक्टिविटीज हमारी हो जाएगी इंप्रूव फेज का। की डिलीवरेबल्स क्या निकलेंगे हमारे, की डिलीवरेबल सॉल्यूशंस निकलेंगे, प्रोसेस मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन और उसका इंप्लीमेंटेशन और चेंज मैप्स, ये सारे हमारे डिलीवरेबल्स हो जाएंगे इंप्रूवमेंट फेज के। और फिफ्थ और लास्ट फेज हमारा क्या है, कंट्रोल फेज है। तो कंट्रोल फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमने जो लर्निंग लिया है उसे कैसे एस्टैब्लिश करें, सस्टेन करें और शेयर करें। मेन एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, वेरीफाई रिडक्शन इन रूट कॉज सिग्मा, हमने रूट कॉज पर जो एक्शन लिया था उसको वेरीफाई करेंगे कि जो एक्चुअल हमने टारगेट लिया था उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैंने इंप्रूवमेंट किया है सीपीसीबी की में तो बिफोर कितना था, आफ्टर में कितना आया है, मेरे जो कॉजेस थे कॉजेस के ट्रेंड में रिडक्शन हुआ कि नहीं, हम पैरेटो बना सकते हैं बिफोर का आफ्टर का कंपैरिजन करने के लिए। पोटेंशियल टूल और टेक्निक का इस्तेमाल होगा, हमारे जो क्रिटिकल एक्सेस है और क्रिटिकल वाइज है उसको हम मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करके सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। हमारे की डिलीवरेबल्स क्या हो जाएंगे लास्ट फेज का, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स, एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, वन पॉइंट लेसन, इन डॉक्यूमेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का मॉड्यूल का डेवलपमेंट, टीम इवोल्यूशन, चेंज इंप्लीमेंटेशन प्लान, चेकशीट और चार्ट्स, ये कुछ डिलीवरेबल्स हैं जो कि आपका केस टू केस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। दोस्तों यहां पर मैंने बहुत ब्रॉड लेवल में आपको डीमैक मेथोडोलॉजी को समझाने की कोशिश की है, तो आशा करता हूं कि आपको डीमैक के जो पांच फेजेस हैं वो, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसमें क्या एक्टिविटीज होती है, क्या टूल्स का इस्तेमाल होता है और क्या डिलीवरेबल्स निकलते हैं, इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो हमारे साथ में ऐसे बने रहिए नए नए वीडियो और नए नए लर्निंग के लिए क्वालिटी और एक्सीलेंस में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग्स में शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।